हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक व्यास और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स में। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं एक नए डिजाइन के साथ। और आज का जो हमारा डिजाइन है वो है इंफोग्राफिक फैट डिजाइन। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में इंफोग्राफिक फैट डिजाइन बनाना सिखा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का डिजाइन। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि हर रोज की बाकी, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी डिजाइन हम जो जो कि कोरल ड्रॉ में बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है और जिसका हमें ध्यान रखना होता है वो है टेक्स का साइज, किसी भी प्रिंटिंग या डिजाइन का साइज और मार्जिन। तो दोस्तों चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको, इसमें हमने पेज जो साइज लेना है वो है 10 बाई 10 का। आज हम दोस्तों आपको एक क्रिएटिविटी डिजाइन बताने जा रहे हैं। तो इसमें हमने साइज लिया इसका 10 बाई 10 का। अब हमें दोस्तों क्या करना है, एक 6 बाई 6 का बॉक्स बना दिया। ये 6 बाई 6 का बॉक्स बन गया। और उसके बाद दोस्तों क्या करना, हमें एक और बॉक्स बनाया जिसको मैंने 1.5 इंच कम कर दिया, यानी 4.5 बाई 4.5 का ये बॉक्स बना। ठीक है दोस्तों, ये दो बॉक्स बन गए। दोस्तों अब क्या करना, हमें इस बॉक्स का कॉपी करना है, इस बॉक्स को कॉपी करना है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल और न्यूमेरिकल बटन में प्लस दबाऊंगा। कंट्रोल प्लस दबाया तो इसके दो हो गए। अब दोस्तों क्या करना है, इसको इस वाले ऊपर को सेलेक्ट करना है और इसे मैंने 90 डिग्री में घुमा, तो 45 डिग्री में घुमा। ये दोस्तों ये डिजाइन हमारा बनके तैयार हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, फिल टूल लिया, स्मार्ट फिल टूल, और उसे यहाँ यहाँ और ये यहाँ ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये सारा सेलेक्ट किया और ये वेल्ड कर दिया। अब दोस्तों ये किया और ये इसको भी सेलेक्ट किया और वेल्ड कर दिया। अब दोस्तों क्या करना है, ये किया इसको किया, ऐसे ही सारे करते जाएंगे हम और इन्हें वेल्ड करते जाएंगे। फिर दोस्तों ये किया, ये किया, ये किया और इसको भी वेल्ड कर दिया। अब दोस्तों ये किया, ये किया, ये किया, इसको भी वेल्ड कर दिया हमने। उसके बाद दोस्तों ये किया, ये किया, ये किया, इसको भी वेल्ड कर दिया। और फिर ये लिया, ये लिया, ये किया, इसको भी वेल्ड कर दिया। उसके बाद बचा ये लास्ट, इसको भी लिया और ये दोस्तों वेल्ड कर दिया। अब कुछ इस तरह का डिजाइन हमें मिल चुका है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो लाइट का आउटलाइन है वो नन कर देंगे। तो आउटलाइन नन करने के लिए ये कलर टूल में गए और ये सबसे ऊपर जो ये ऐसे निशान, कट का निशान बनाया, उसमें राइट क्लिक कर देना है। तो ये इसका लाइन कट हो जाती है। अब क्या करना दोस्तों, और उसमें हमें अलग अलग वो करना है, कलर फिल करना है। कोई सा भी कलर कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। ये दोस्तों ये डिजाइन बन के तैयार। आप बैकग्राउंड में चाहो, आप बैकग्राउंड में भी डिजाइन देना चाहो तो दे सकते हो इस तरह का। ये हो गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लोगो लिया और ये लोगो यहाँ डाल।
राशि को ज्यादा जमा कराएगा, तरह ये रो को ले लिया। उसके बाद क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिया, उसके बाद ईमेल लिया, आप चाहे तो एड्रेस भी दे सकते हो ये ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, ये है जो इनको एक एक करके सेट करना है। ये लिया, ये यहाँ पे डाल, उसके बाद दोस्तों ये लिया, ऐसे घुमाया और ये यहाँ पे रख दिया, अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। ऐसे तरह सेट कर सकते हैं, इसे इस तरह इसको दो से 1 टिक घुमाया और इसको भी 34 पॉइंट का कर दिया। ये सारे दोस्तों 34 पॉइंट के कर दिए और इनको इस तरह सेट कर दिया, ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं। दोस्तों ये डिजाइन दोस्तों तैयार हुआ। देखो दोस्तों ये डिजाइन बन के तैयार हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों एक नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।